ओए दुश्मनाना पूछो तारा सिंह कौन है। Now, first of all, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, I'm Aman Ansari. आप सभी लोगों का आज सनी देओल की फिल्म गदर द्वितीय के डे नंबर 16 के यानी कि द ऑल इम्पोर्टेंट थर्ड सैटरडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया, कल अगर आपको लगा कि भाई गदर का खेल समाप्त हो चुका है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। बैठ जाइए, तालियां बजनी रहनी चाहिए, क्योंकि गाइस गदर 2 हैज कम बैक एंड कम बैक रियल स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बोला था वेट फॉर थर्ड सैटरडे एंड संडे एंड रक्षाबंधन, गदर 2 वापस से अपने जलवे जो है बॉक्स ऑफिस पर दिखाएगा। सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं विद द ट्रेड टॉक, क्योंकि गाइस ट्रेड टॉक बहुत ही जरूरी है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली फिल्म कहाँ चल रही है। द फिल्म रिमेन्स द बेस्ट कलेक्टिंग फिल्म एट ऑल द मास सर्किट्स, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र, एज इट डज बेटर देन द न्यू रिलीजेस ड्रीम गर्ल 2। यानी कि ड्रीम गर्ल 2 रिलीज होने के बावजूद भी इन सारी जगहों पर गदर 2 बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है एंड द फिल्म ऑल्सो मेंटेन्स द पेस फॉर 500 करोड़ नेट इन इट्स कंप्लीट फाइनल रन। यानी कि पिक्चर ऑन ट्रैक है 500 करोड़ कमाने के लिए, एंड इसको 500 करोड़ कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड आज का दिन कौन सा है पता है तुम लोगों को? टाटा रॉकी भाई, हा हा हा, टाटा रॉकी भाई, तारा तेरा भाई, वो है सबका भाई। आज रॉकी भाई यानी KGF चैप्टर 2 का जो रिकॉर्ड है 434.70 करोड़ का, वो तारा सिंह सिर्फ फक्त ओनली जस्ट 16 डेज में स्मैश कर देगा KGF चैप्टर 2 का लाइफ टाइम, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गदर 2 कहीं नहीं जा रही, गदर 2 यही है। अगले हफ्ते क्लीन रन है गदर 2 को, तो गेट रेडी फॉर द 500 करोड़ प्लस क्लब, क्योंकि गदर 2 आ रहा है मेरा भाई। अब गाइस बात करते हैं डे नंबर 15 की। तो भैया कल क्या बोले भाई आप लोग, 6 करोड़ कमाएगी, 6 करोड़, आइए भाई तपली खाएंगे आप, इधर आइए। तो कल रात को लग रहा था कि इवनिंग ऑक्यूपेंसी सिर्फ 26 है, ज्यादा कर करा के रात को जाया जो गया भी तो 34-35 जाएगा, लेकिन कल रात की ऑक्यूपेंसी इसकी 41% की थी। इसीलिए मेरा जो प्रेडिक्शन था 6 से लेकर 6.25 करोड़ का, वो उससे ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है। 6.75 करोड़ तो ट्रेड ने बोला है, लेट्स सी अब प्रोड्यूसर्स जो है वो कितना कलेक्शन देते हैं। एंड गाइस कल भैया पार्टी पे पार्टी हो रही है, गाना हमारा था पार्टी तो बनती है, फिर से कल जूहू में सनी, बॉबी, अनिल, उत्कर्ष शर्मा वापस से पार्टी थी, सिमरत जो हीरोइन है, मनीष वाधवा, द पार्टी कंटिन्यूज, क्योंकि हर माइलस्टोन पे लोग पार्टी रख रहे हैं। 300 करोड़ के लिए पार्टी थी, 400 करोड़ के लिए भी, एंड डेफिनेटली 500 करोड़ जब फिल्म जाएगी तभी भी पार्टी होने वाली है। तो अगर ये फिल्म 15 डे पर 6.75 करोड़ कमाती है, देन गाइस 15 दिनों में फिल्म 425.85 यानी कि 425.85 करोड़ कमा लेगी। अब बात करते हैं मुद्दे की, डे नंबर 16 की, ब्रेस योरसेल्फ्स, द एडवांस बुकिंग फॉर डे नंबर 16 यानी कि थर्ड सैटरडे इज 2.70 करोड़। एक ऐसा नंबर जो बड़ी बड़ी फिल्में इतना कमाती है उस दिन, गदर 2 2.70 करोड़ का एडवांस बुकिंग लेकर जा रही है विथ 1,04,000 टिकट सोल्ड। एंड भैया अगर यही पेस मेंटेन हुआ रात तक तो बहुत मजा आ जाएगा। अब अगर इस बात करते हैं शो काउंट्स की, तो मुंबई में 370 शोज है, 20 फुल है, 12% ऑक्यूपेंसी है। दिस इज नॉट द फाइनल शो काउंट फॉर सैटरडे, ओके, फाइनल शोकेसिंग में रात के एपिसोड में बताऊंगा। दिल्ली एनसीआर 596 शोज में 50 फुल है, 14% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 85 शोज 16%, हैदराबाद 94 शोज 10, लुक एट अहमदाबाद 303 शोज 20 फुल, सूरत 171 से 190 कर दिया शो, चेन्नई 23 से 26 शोज कर दिए है, भोपाल की बात करूं 65, लखनऊ 143। गदर 2 is all set to earn double digits on its third Saturday. It's a bold prediction.
ओके मुझे पता है शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह का एडवांस बुकिंग हुआ है, जिस तरह का वॉक इन आने वाला है, गदर 2 डेफिनेटली 10 करोड़ कमा कर सबके होश उड़ा देगा इंडस्ट्री में। क्या भैया 10 करोड़ कमा दिया भाई 16वें दिन पर? तो गाइस 16वें दिन का जरा रिकॉर्ड देख लेते हैं कि एग्जैक्टली 16 डे का जो रिकॉर्ड है तो क्या है। वेल फ्रेंड्स, द रिकॉर्ड फॉर 16 डे इज बाहुबली 2। बाहुबली 2 एक बीस्ट है यार, सीरियसली बोल रहा हूँ ना। गदर 2 बाहुबली 2 को भी बीट कर देगी ना, एक बहुत बाप लेवल की अचीवमेंट होगी। लेकिन भैया टारगेट तो पठान है, 525 करोड़ हिंदी नेट। हाँ, तो बाहुबली 2 डे नंबर 16 14.75, उसके बाद आमिर मामू, दंगल 10.25, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 9.86। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक अलग बीस थी, सीरियसली वो 50 दिन तक चली थी, बहुत खतरनाक चली थी। इवन तानाजी सुपर्ब ट्रेंडिंग 9.47 करोड़। तो ऐसा लग रहा है गदर 2 एटलीस्ट आमिर मामू की दंगल तोड़ के सेकेंड हाइस्ट डे 16 बन जाएगी। गदर 2 बाहुबली 2 को छोड़ दूं तो हर दिन का आउटराइट हिंदी रिकॉर्ड बना दिया है। अगर ये फिल्म आज 10 करोड़ कमाती है, यानी फिल्म 16 दिनों में 435.85 यानी कि 435.85 करोड़ कमाकर रॉकी भाई को टाटा बाय बाय कर देगी। बड़ा भाई सरल सवाल पूछते हैं भाई, सरल सवाल का सरल जवाब दीजिए। जब फ्राइडे 6.75 होगा, सैटरडे 10 होगा, तो संडे कितना होगा? 15 होगा। आई होप संडे डज द ट्रिक फॉर 15 करोड़। ऐसा हुआ देन दंगल तो गया, KGF 2 तो गया 450 करोड़ क्लब में, सिर्फ और सिर्फ 17 दिनों में एंटर करने वाली गदर 2 विल बी द फास्टेस्ट फिल्म। यस, अगर संडे 15 करोड़ आया तो भैया जाइए फिल्म देखिए भाई, गदर 2 को इस वीकेंड पे फाड़ दीजिए बॉक्स ऑफिस पर जाकर। हाय, ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। जितने लोग कल उदास थे, निराश थे कि यस ड्रीम गर्ल 2 ने गदर 2 का बिजनेस डेंट किया है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था गदर 2 अपने लेवल पर ही आगे जाएगी। तो जितने लोग कल उदास थे गदर 2 अब 500 नहीं जाएगी, थम गई, रुक गई। ओए ये तारा सिंह है, दुश्मन ने पूछो तारा सिंह कौन है, और दामाद है वो पाकिस्तान का। उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना दहेज में लाहौर और बॉक्स ऑफिस ले जाएगा। स्टे कूल मैन।